नमस्ते गाइस। तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप टेलीग्राम पर बॉट्स कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ऐप ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में सर्च करना है बॉट फादर। बस इसके बाद सबसे ऊपर जो आपके पास ऑप्शन आएगा बॉट फादर, जिस पर ब्लू टिक होगा, आपको वो ओपन करना है और स्टार्ट करना है। स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद मेन्यू पर क्लिक करेंगे और क्रिएट और बॉट पे वाले ऑप्शन पर चूज़ करेंगे न्यू बॉट। ये मैंने अभी एक साथ घने सारे बॉट्स बना दिए, तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम का गैप बैन लग गया है। वो 7 सेकंड्स का बैन हट जाएगा, आपके में ये ऑप्शन नहीं आएगा, चिंता मत करिए। आपको बस न्यू बॉट पे क्लिक करना है, न्यू बॉट। अब आपको नाम चूज़ करना है, तो नाम चूज़ करेंगे हम, इसको नाम दे देते हैं टेस्ट बॉट। आप जो इसको जो भी नाम देना चाहते हैं अपने बॉट को, वो दे सकते हैं। फिर आपको यूज़र नेम चूज़ करना है। यूज़र नेम आप ध्यान रखिए कि आपको यूज़र नेम यूनिक होना चाहिए और आपके यूज़र नेम के लास्ट में बॉट होना चाहिए, ठीक है? या तो बॉट लिखा नहीं होना चाहिए बिना स्पेस के, या फिर डैश बॉट होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है हीरा ऐसे, ठीक है? तो हम इसे नाम देंगे टेस्ट बॉट 1 2 3 और बॉट, जो मैंने इसे नाम दिया। नेम इज़ ऑलरेडी टेकन, क्योंकि ये किसी और ने पहले से लिया हुआ है, तो इसलिए ये नहीं आया। मैं इसे कोई भी नंबर दे देता हूँ, आप अपना नंबर चूज़ कर सकते हैं, जैसे भी आप अपने बॉट को यूज़र नेम देना चाहते हैं। उस यूज़र नेम से लोग आपके बॉट को टेलीग्राम पर ढूंढ सकते हैं। हाँ, मैंने भेज दिया और देखिए मेरा बॉट बन चुका है। ये वाला जो लिंक है, इस पे से आप अपने बॉट पहुंच सकते हैं। ये मेरा बॉट मैंने, ठीक है, वापस आएंगे। और आपका बॉट का एपीआई टोकन ये रहा। इस एपीआई टोकन को आपको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि अगर ये किसी और के पास चला जाता है तो वो आपके बॉट का इस्तेमाल कर सकता है आपको पता लगा बिना, ठीक है? तो इस बॉट के अपने टोकन को सेव करके रखें। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।